नमस्कार, छत्तीसगढ़ का नंबर वन बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करें महत्वपूर्ण खबर के साथ। बीजेपी की पहली सूची आई। छत्तीसगढ़ में सभी 11 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होता है और लिस्ट पर सियासी घमासान शुरू होने में भी देर नहीं लगी। कांग्रेस ने बीजेपी की लिस्ट पर तंज कसा। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं की। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाई। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल और सरोज पांडे को बीजेपी ने बलि का बकरा बनाया है। साथ ही कहा कि हम शुरू से कह रहे थे कि बीजेपी पुराने चेहरों को रिपीट नहीं करेगी, सिर्फ दो चेहरों को मजबूती से रिपीट किया गया है। इनको पता था कि पुराने चेहरों को रिपीट करते हैं तो चुनाव हार जाते हैं। आप देखेंगे 9 में से सिर्फ दो चेहरे को मजबूरी में उन लोगों ने रिपीट किया है, और क्योंकि पता है पुराने चेहरे रिपीट करेंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पा रही है। पूरी तरह एंटी इनकम्बेंसी है उन चेहरों पे भी और मोदी सरकार खिलाफ भी, इसलिए पुराने चेहरे से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बचते नजर आई। इधर दीपक बैज के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने भी पलटवार किया। कहा कि वो पहले अपनी पार्टी को देख ले, आज उनकी पार्टी कहां पर खड़ी है उसकी चिंता कर ले। कांग्रेस का तो धर्म है हम लोग कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उसका वह लोग विरोध करेंगे ही। बैज विरोध कर अपना धर्म निभा रहे हैं। कांग्रेस का तो धर्म है हम लोग कोई भी अच्छा काम करेंगे तो उनका धर्म है कि उसका लोग विरोध करेंगे, वो अपना धर्म निभा रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव का रण है, सियासी बाढ़ चलने शुरू हो गए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट पर सियासी बयानबाजी का दौर जारी, लेकिन कौन बलि का बकरा बना और कौन जीत का स्वाद चखेगा ये तो जनता की अदालत में ही तय होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने दावा कर दिया है कि प्रदेश की सभी 11 सीटों पर कमल खिलेगा। हमारे 11 कमल तैयार, उन्होंने कहा। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके तो अभी तक 11 नाम भी तय नहीं हो पाए हैं, जबकि बीजेपी की पूरी टीम चुनावी मैदान पर उतर चुकी है। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के सिवा कोई काम नहीं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने 11 उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद दिया है और अब जनता के आशीर्वाद को भी तैयार है। सर, 11 सीटें तैयार हो चुकी है, कैसा रहेगा? 11 कमल तैयार हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, राष्ट्रीय पदाधिकारी, वरिष्ठ नेताओं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी सहित हमारे जितने भी संसदीय बोर्ड के हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं सबका धन्यवाद। और निश्चित समय में और बहुत अच्छा अवसर है ये सभी हमारे जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले और जीत को लेकर सुनिश्चितता की कड़ी में एक और कदम आगे बढ़ गया है। निश्चित रूप से 11 के 11 लोकसभा सीटों के लिए और बड़े योग्य प्रत्याशियों का चयन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी प्रत्याशियों को मेरी ओर से बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरा छत्तीसगढ़ का संगठन एकजुट होकर एक समन्वय स्थापित करके और 11 की 11 सीट पर जीत का परचम लगाया। नए चेहरे को मौका मिला है, वो प्रक्रिया है, तो सवाल ही नहीं उठता। जो मापदंड पर जीत के मापदंड सबसे प्रथम है, और नया और पुराना चेहरा नहीं होता, कमल कुल चुनाव लड़ता है, और इसलिए 11 की 11 कमल जीत कर हम आदरणीय मोदी जी को और अध्यक्ष जी को भेंट करें। इस बार प्रदेश के सभी 11 सीटों में कमल का जो फूल है वो विजय होगा, और देखना है कि अब चुनाव बिगुल फूट चुका है। हम चुनाव की जो तैयारी है भाजपा ने भी शुरू कर दी है। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, जगदलपुर। और उम्मीदवारों को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव की तरफ से भी बयान। उन्होंने कहा कि पार्टी ने एक संतुलित टीम उतारी है। इस बार अनुभवी और दिग्गज नेताओं को टिकट दिया गया है, नए लोगों को भी मौका मिला है। ये भी कहा कि प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। पार्टी ने एक संतुलित टीम के साथ मैदान में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 11 लोकसभा सीटों में प्रत्याशी का ऐलान किया है। एक संतुलित टीम 11 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने उतारी है, अनुभवी और दिग्गज और ऊर्जावान नए लोगों को भी मौका मिला है, महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो एक संतुलित टीम 11 लोकसभा सीटों में पार्टी ने उतारी है, और जिस प्रकार से रिस्पांस दिन भर में प्रत्याशी घोषित होने के बाद आया है, ये निश्चित है कि हम 11 की 11 सीटें, पार्टी हर एक कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है और हर कार्यकर्ता को
समय समय पर अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है, अलग अलग जिम्मेदारियों के हिसाब से इस बार ये 11 लोगों को पार्टी ने मौका दिया है। रायपुर का जिक्र करेंगे, बीजेपी के सभी 17 प्रकोष्ठों का सम्मेलन हो रहा है। प्रदेश कार्यालय कुशाभा ठाकरे परिसर में सम्मेलन हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सम्मेलन का शुभारंभ किया। 17 प्रकोष्ठों के 1500 से ज्यादा प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए हैं। लोकसभा चुनाव में 17 प्रकोष्ठों के जरिए जनता को साधने का प्रयास होगा। सम्मेलन में पीएम मोदी के पत्र का वितरण भी किया जाना है। प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मोदी के पत्र को जन जन तक पहुंचाएंगे और इस मौके पर बीजेपी के इतिहास को बताने वाली प्रदर्शनी भी लगाई गई। जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी की प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ है। इस प्रदर्शनी में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, पार्टी के सिद्धांत और पार्टी के अब तक की विकास यात्रा, इन सब बातों को यहां दर्शाया गया है। और पिछले 10 सालों में सरकार की जो उपलब्धियां हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की 2.5 महीने की उपलब्धियां, इन सब चीजों को प्रदर्शनी में दिखाई गई है। और अब दिल्ली से अगली बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। बैठक में विकसित भारत के रोडमैप पर चर्चा हुई है। पीएम ने नई सरकार के पहले 100 दिन एजेंडे पर चर्चा की। बैठक में अगले 5 साल के काम पर विस्तार से चर्चा हुई। तो बैठक में आर्थिक विकास, ईज ऑफ लिविंग पर चर्चा की गई। तो ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से लगती हुई, तीसरे टर्म को लेकर चर्चा, ईज ऑफ लिविंग जैसे तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे जिससे जनता का सीधा जुड़ाव है, विकसित भारत के रोडमैप पर भी चर्चा, नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे को लेकर भी चर्चा की गई है। दिल्ली का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक, मोदी सरकार के तीसरे टर्म की रणनीति तैयार हुई है। बैठक में विकसित भारत के रोडमैप पर भी चर्चा हुई है। नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे को लेकर चर्चा की गई है। महादेव सट्टा ऐप का जिक्र करेंगे, इस केस में ईडी ने गिरीश तलरेजा और सूरज चौखानी को कोर्ट में पेश किया है। इनको भोपाल और कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। आरोप ये है कि ये लोग सट्टा ऐप से मिले पैसों को शेयर मार्केट में लगाते थे, बैंक खातों के जरिए रोटेट भी किया करते थे। और यही नहीं, ईडी के मुताबिक महादेव ऐप से मिले पैसों को राजनेताओं और नौकरशाहों तक पहुंचाने का काम भी चल रहा था। रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। खबर रायपुर से, महादेव सट्टा केस में ईडी ने गिरीश तलरेजा और सूरज चौखानी को कोर्ट में पेश किया। गिरीश तलरेजा को भोपाल से गिरफ्तार किया गया था, जबकि सूरज चौखानी की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई है। चौखानी पर महादेव ऐप के पैसे को शेयर मार्केट में लगाने के आरोप हैं। वहीं गिरीश तलरेजा पर सट्टेबाजी की कमाई को बैंक खातों के जरिए रोटेट करने का आरोप है। इस मामले में ईडी अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी के मुताबिक महादेव ऐप से हुई अवैध कमाई का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में राजनेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत देने के लिए किया गया था। अब तक ईडी ने इस मामले में 2 आरोप पत्र दायर किए हैं। इसमें कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के 2 प्रमुख प्रमोटर्स सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के खिलाफ आरोप पत्र शामिल है। इसने पहले भी मामले में कई छापे मारे थे। ईडी के अनुसार इस मामले में अनुमानित अवैध कमाई करीब 6,000 करोड़ की है। 26 फरवरी को सट्टा ऐप मामले में आरोपी बनाए गए 13 लोगों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। इसमें ऐप प्रमुख सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, विशाल आहूजा, धीरज आहूजा, पूना राम वर्मा, शिव कुमार वर्मा, यशोदा वर्मा, पवन नत्थानी, रोहित गुलाटी, अनिल अग्रवाल, शुभम सोनी समेत 2 और लोग शामिल हैं। हालांकि वो कोर्ट नहीं पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।